हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज मैं बिंदु चौधरी आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें एस्टेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पास करना है तो आपको मेंटली रूप से तैयार होना पड़ेगा। आपको अपना मन पक्का करना पड़ेगा कि मुझे ये पेपर है ये 100% पास करना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इस वीडियो को देखते देखते आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि मुझे ये पेपर पास करना है, उसी पर्पज से पढ़ना है। 1% भी डाउट मन में नहीं रखना है कि पेपर पास नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब आपने गाना सुना होगा, मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ। जब भी मोटिवेशन डाउन होता है थोड़ा सा तो मैं इस सॉन्ग को सुनती हूँ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले। तो आपको भी अपनी जिंदगी कैसी चाहिए, आपको पेपर बार बार देना है या एक बार में ही पास करना है, ये आप पर डिसाइड होता है। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एस्टेट में जो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और कितनी विशेषता रहती है उसकी, यानी इम्पोर्टेंस कितनी रहती है। अब पीआरटी की बात करें, स्टार्टिंग से करते हैं पीआरटी। पीआरटी में सीडीपी, सीडीपी 30 नंबर की आएगी, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर 30 की आएगी, और मैथ्स रीजनिंग 30 की आएगी, 30 की आएगी। और इसके बाद मैथ्स रहेगा 30 का और ईवीएस रहेगी 30 की। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 150। ये तो पीआरटी में रहेगा। और टीजीटी, पीजीटी पर क्या रहता है, टीजीटी एंड पीजीटी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस लेवल तक का आपको पढ़ना है, कौन सी क्लास तक का आपको सिलेबस करना है। अब टीजीटी पीजीटी में सीडीपी 30 नंबर की आएगी, हिंदी और इंग्लिश कितने की आएगी, 30 की आएगी, और मैथ्स रीजनिंग एंड हरियाणा जीके भी 30 का आएगा। और साथ में जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा, चाहे वो टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में, दोनों में 60 नंबर का आएगा, ठीक है? तो टोटल हो गया हमारा 150। ये तो है एग्जाम का पैटर्न। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें 3 पार्ट हैं तो 10-10 के हिसाब से आएंगे, 10+10+10। इसमें 2 पार्ट हैं तो 15+15 से आएंगे, ठीक है? ये रहेगा। अब बात करें कि किसको ज्यादा पढ़े और किसको कम पढ़े। आपको अगर एस्टेट पास करना है तो आपको 100+ का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि 90 नंबर लेने हैं, मैं यहाँ से 60 यहाँ ले लेंगे, 30 यहाँ ले लेंगे, 90 हो गए, तो आपका पेपर पास नहीं होगा। क्योंकि आपने टारगेट है वो एग्जैक्ट फिक्स किया है, कभी भी टारगेट एग्जैक्ट पूरा नहीं होता, या तो उससे डाउन जाता है या उससे ऊपर जाता है। तो आप ऊपर का टारगेट लेके चलेंगे तो 90 नंबर आना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? अब 100+ का टारगेट लेके चले। पीआरटी की बात करें, पीआरटी में कम स्टूडेंट कम कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम आती हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी एंड पीजीटी की। अब टीजीटी पीजीटी पर देखो, सबसे पहले है 60 नंबर का सब्जेक्ट। अगर आपने सब्जेक्ट मास्टर्स किया है या बीए बीएड में आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिया है, तो उसकी इतनी नॉलेज तो होगी ना आपके पास कि 50% या 60% सिलेबस आपको आना चाहिए। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो एस्टेट पास करना भूल जाओ, ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट में कम से कम 60% लेने पड़ेंगे, 6-6 36, यानी 36 नंबर तो आपको आना चाहिए, तभी आप इसमें स्कोर अच्छा कर पाएंगे।
अब ये 36 नंबर कैसे लें? क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें हमेशा 9 to 12 क्लासेस का आता है, और उसके बाद बीए बैचलर डिग्री का और मास्टर्स डिग्री का इनका आता है। इनमें से कम आता है और इसमें से ज्यादा आता है। लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं हमारे। अगर हमने 12th तक की एनसीईआरटी बुक कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी कर लो, मैं गारंटी लेती हूँ आपके सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं रहेंगे। ठीक है, आप सब्जेक्ट को हमेशा बेसिक से उठा के चलो। तो आपको अगर इसमें टीजीटी पीजीटी पर करना है तो टीजीटी पर तो 100% ही 12 तक रह जाएगा, इतना ही लेवल रहता है, और इसमें पीजीटी में भी 9 to 12 का सिलेबस ज्यादा आता है, आप इतना कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में लगा लो, किसी एक के लिए नहीं बता रही, सभी सब्जेक्ट में बता रही हूँ। क्लियर हुआ? तो सब्जेक्ट कहाँ से करना है, एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ना है आपको, और उसमें भी क्या पढ़ना है, जो आपको कॉलम में मिलेंगे, बॉक्सेज बने होते हैं ना, उनको पढ़ो, और दूसरा जो हाईलाइट किए अक्षर होते हैं ना, उनको पढ़ो, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही छाटे जाते हैं, और खुद के नोट्स खुद बनाओ, किसी के नोट्स लेकर मत पढ़ो, कभी किसी के नोट्स लेकर मत पढ़ो, क्योंकि हर एक जो बंदा है वो अपने नोट्स अपने तरीके से बनाता है, उसको जो आता है उसको छोड़ के बाकी लिखता है। अब आपको जो नहीं आता उसको क्या पता आपको आता नहीं आता, तो हर किसी का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। किसी के नोट्स लेने की बजाय आप खुद एनसीईआरटी की बुक से अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, अभी आपके पास 1 महीना लगा के चलो। 1 महीना क्यों कहा है मैंने, क्योंकि बीच में दिवाली है, फेस्टिवल है ना, तो उसकी तैयारी होगी। अभी ये नवरात्रि हैं, तो काफी दशहरा है, काफी फेस्टिवल्स हैं, तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और एग्जाम से 5-7 दिन पहले तो रिवीजन ही ज्यादा रहता है। उसमें पढ़ाई का सबसे मेन क्या है कि रिवीजन करो, जितना आपने कर लिया उसका, ज्यादा नया नहीं उठाना है। तो आप 1 महीने में अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ और सब्जेक्ट पर ध्यान दो। इतना क्लियर हुआ? अब बताती हूँ कि ये कहाँ से करेंगे। अब इसके लिए जो सीडीपी है, बार बार कमेंट आते हैं, बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। मैं आज भी कहती हूँ, कोई ऐसी बुक नहीं है हरियाणा में एचटेट के लिए जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। कोई चोरी किसी बुक में है, कोई किसी में है। दूसरा है कि साइकोलॉजी की जो इंग्लिश बुक्स हैं उनको ऑथेंटिक माना जाता है, हिंदी मीडियम की बुक्स को ऑथेंटिक नहीं माना जाता। इसलिए इंग्लिश मीडियम की बुक्स और बेसिकली एनसीईआरटी 11th 12th उसमें से पेपर बनता है। ठीक है, और मैं आपको चैनल पर उसी लेवल का पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी की बुक में से करवाती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि सीडीपी के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देखी है, अब से देखना शुरू कर दो, सीडीपी आपको कंप्लीट उसमें मिल जाएगी। अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप कमेंट करें, मैं वो टॉपिक भी आपको करवाऊंगी। और इसके साथ ही एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 1 महीने के लिए, ओनली एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में जो मेन टॉपिक हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो शॉर्ट वीडियोज 5 से 10 मिनट के बीच की, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और सिर्फ वो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो वो देख लेना, और जो भी मैंने अब तक थ्योरी करवा रखी है वो सभी भी आप देख लेना। और दूसरी बात, पीवाईक्यू सीरीज, जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने 5 साल तक के करवा रखे हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल के, वो सारे कर लो, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर है हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में मैंने काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं ग्रामर की। मैं सिर्फ वही वीडियो डालती हूँ जहां पर मुश्किल वर्ड छांट कर लेकर आती हूँ, तो कुछ वहां से कर लो, कुछ अपने तरीके से कर लो। इंग्लिश की मैंने बस 4-5 वीडियो डाली हैं, इसलिए इंग्लिश का मेरे पास मैटर नहीं मिलेगा ज्यादा, लेकिन हिंदी का काफी है। और पीवाईक्यू सीरीज भी मैं सोच रही हूँ कि इसमें भी लेके आऊं हिंदी की भी।
ठीक है। फिर मैथ्स, मैथ्स में बात करें तो मैथ्स की मैंने PYQ सीरीज करवाई है। अगर आपको मैथ कम आता है तो वो कर लो, आपके 5-6 नंबर जरूर आ जाएंगे, 6 नंबर तक 10 में से, ठीक है। अगर अच्छा आता है तो फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। फिर है रीजनिंग, रीजनिंग का मैंने कंप्लीट कोर्स करवा रखा है, कंप्लीट कोर्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पूरी रीजनिंग है, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो रीजनिंग 10 नंबर की करवा रखी है, ये करवा रखी है, ये करवा रखी है, ये करवा रखा है। अब हरियाणा जीके की कुछ वीडियोज हैं, लेकिन इसमें आप करंट अफेयर जरूर पढ़ें, 3 महीने के लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। और मैंने जो सिलेबस की वीडियो डाली है, अगर नहीं देखी है तो वो देख लें, उस पर मैंने सबके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे जिससे एक्सेंट पास हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बार बार बताया है, मैं ये ऐसे तुक्के नहीं लगाती, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पास किया है, 12 बार किया है, और अलग अलग सब्जेक्ट में सभी लेवल पे पास कर रखा है, ठीक है। PGT पर 2 सब्जेक्ट हैं और PGT पर 3 सब्जेक्ट में, और जब क्योंकि हरियाणा में क्या है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है, पहले 5 साल थी, अब 7 साल है, इसलिए मुझे बार बार देने पड़ते हैं वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, और मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा बार बार देने का, ठीक है। तो इसके बाद हरियाणा जीके हो गई, सब्जेक्ट मैंने बता दिया। सेम ऐसे ही PRT में CDP तो कंप्लीट है, हिंदी इंग्लिश भी है, ये सारा आपको मिल जाएगा चैनल पे। EVS नहीं है भाई, ठीक है, EVS आपको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं खुद भी आगे भी स्टडी जारी है मेरी, बच्चे भी हैं, घर का भी संभालती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। डेली 1 वीडियो डालती हूँ मैं, और उसी से आपको इतना सारा सिलेबस मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ आई होंगी, कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पर बात करें, 90 नंबर का ही पेपर है ना, मैंने बताया आपको 60% 36, यानी आपको, एक मिनट में इरेज कर देती हूँ, अगर आपने 60 में से 35 to 40 नंबर सिलेबस में ले लिया, आपने सब्जेक्ट में ले लिए, और 90 में से 60 to 70 मार्क्स ले लिए, तो आप देखो आपका पेपर पास हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अगर 60 आए और 40 आए तो भी 100 हो गया, 40 और ये आए तो 110 हो गया, ये दोनों आए तो 95 हो गए ना, और ये दोनों आए, तो इस तरह से हमारा कहीं भी देख लो, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे। तो अगर आपने 60 में से अपने सब्जेक्ट में इतने नंबर ले लिए और 90 में से 60 to 70 के बीच में रहे, तो कोई भी आपको पेपर पास करने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप अभी से अपनी 1 महीने के लिए तैयारी करें और अपना टाइम टेबल बनाएं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ज्यादा फोकस पहले सब्जेक्ट पे करें, फिर CDP पे करें, क्योंकि 30 नंबर आते हैं यहाँ से और ये इजी होता है लेना, ठीक है। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, रेयर चांस होते हैं कि हिंदी इस लेवल की आ जाए कि भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाए, वरना हिंदी में इजीली नंबर आ जाते हैं। और मैथ्स है वो भी 10th लेवल तक का आता है, रीजनिंग बहुत ही सिंपल आती है, हरियाणा जीके भी सिर्फ सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं देते, इजी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से ये पेपर पास कर सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। और एक छोटा सा गाना और गुनगुनाती हूँ आपके लिए, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है और एक्सटेट पास करना है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और आपको मौका उसमें मिल जाएगा। इतने सालों बाद वैकेंसीज के चांस बने हैं, तो आपको ये मौका नहीं खोना है, आपको एक्सटेट क्रैक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।